हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा करेले। उसके लिए हमको सामान चाहिए, पिसी हुई सौंफ, धनिया, खटाई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। अब हम इसको नमक को खटाई इस करेले में डालेंगे और इसको 4 घंटे डाल के रखेंगे। करेला भरमा करेले के लिए हम इसको मसाले को मिलाएंगे। पिसी हुई सौंफ डाली है हमने, अब खटाई डाली है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अब नमक स्वाद अनुसार नमक डाला है, अब हम इसको मिलाएंगे। इसको थोड़ा गाढ़ा ही मिलाना है। अब हमने कढ़ाई ली है, हमने लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकती हैं। अब हम इसमें तेल डाल लिया है हमने, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम मसाला डालेंगे जो हमने पहले से घोल रखा था। ये करेले के छिलके हैं जो हमने पहले से धो रखे थे, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमने इसको थोड़ा भून लिया है, अब ये थोड़े सुनहरे हो गए हैं। अब जो हम इसमें मसाला डालेंगे, अब इसको हम भूनेंगे सुनहरा होने तक, अच्छी तरीके से भूनेंगे इसको हम। अब ये हमारा मसाला भून गया है, देखिए इसमें कितना अच्छा रंग आया है। अब इसे भून गया है, हम इसको निकाल लेंगे। अब निकाल के इसको ठंडा करेंगे हम। हमने ये करेले जो नमक डाल के रखे थे उनको हमने धो लिए हैं और इनको हमने काट लिए हैं बीच में से। अब इसमें हम मसाले भरेंगे। मसाला ठंडा हो गया है हमारा, ऐसे ही हम बाकियों को भर लेंगे। अब ये हमारे करेले भर लिए हैं हमने अपने। अब हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और हमारा तेल हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। इनको हम चलाएंगे। अब हम इनको धीमी आंच पे होने देंगे। अब इनको हम धीमी आंच में होने देंगे। अब इसको हम ढक देते हैं। करेलों को देखेंगे, अब इनको हम थोड़ा चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है करेलों में। अब हम फिर इनको धीमी आंच पे होने देंगे। आइए अब हम देखते हैं अब हमारे करेले बने हैं कि नहीं। देखिए हमारे करेले बन चुके हैं। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे करेले। अब हम इसको बाउल में रखेंगे अपने। करेले खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, करेले खाने में फायदे भी होते हैं, करेले खाने में फायदे भी बहुत होते हैं करेले में। देखिए हमारे करेले बन चुके हैं। अब
करेले खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं करेले खाने में, शुगर में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आपको हमारे करेले पसंद आए हों तो आप हमारे करेले को